भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रेसलर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के नाम की सिफारिश की है। याद हो कि बजरंग पूनिया के नाम की सिफारिश पिछले साल भी की गई थी, लेकिन रेसलर ने कॉमनवेल्थ गेम 2018 और एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद यह अवार्ड लेने से मना कर दिया था। बजरंग को 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है, जबकि 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। खबर है कि स्टार रेसलर को खेल में निरंतर बेहतर प्रदर्शन के कारण खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। पुनिया का खेल में उम्दा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने देश को कई सम्मान दिलाए हैं। विनेश फोगाट के नाम की भी सिफारिश इस खास पुरस्कार के लिए की गई है। पुनिया ने हाल ही में बिल्सी ग्रांड फिल्स में अपने खिताब की रक्षा की थी। उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में ईरान के पीमन बिबियानी को 65 किलोग्राम के फाइनल में मात देकर गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले 2018 में पुनिया ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। 65 किलोग्राम वर्ग में पुनिया ने विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। पुनिया ने 2 बार कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता है। उन्होंने ग्लासगो में 2014 कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद पिछले साल गोल्ड कोस्ट में पुनिया ने इसे गोल्ड में तब्दील किया। पता हो कि खेल अवार्ड्स हर साल महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 सितंबर को दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। यह अवार्ड 1 पदक, प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए की राशि खिलाड़ी को दी जाती है। याद हो कि पिछले साल टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और भारोत्तोलन मीराबाई चानू को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।